السلام عليكم ورحمة الله. तो वेम प्रोजेक्ट है लिखना السلام عليكم ورحمة الله. कल आप लोगों ने फाइल हैंडलिंग में देखा होगा, फाइल हैंडलिंग में हम कल आप लोगों ने प्रोग्राम किया था ना फाइल हैंडलिंग वाला, क्यों भाई कल प्रोग्राम किया था आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम सलाम सर, अदा कुछ नहीं होया, वो बंदा लो रापता ही नहीं कर रहा, तुम पता है वो मेरा क्लास हो रही है, मैं बात से काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई सदाकत, क्या हाल? सॉरी अदी, ये सदाकत है आपका शेयर करना। अच्छा भाई, आप लोगों ने वो फाइल हैंडलिंग वाला किया था कल प्रोग्राम? क्यों भाई? ये कल आप लोगों ने प्रोग्राम किया था भाई? यानिका कल आप लोगों ने किया था फाइल हैंडलिंग, स्टार्ट की थी या नहीं? अच्छा भाई, अभी तक जो हम लोग प्रोग्राम करते थे वो हम रैम के ऊपर करते थे, जो प्रोग्राम है वो अभी
मैं क्लास है नाम जी मेरी क्लास कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था फाइल हैंडलिंग की थी रिस्पांस भी नहीं कर रही आवाज अभी आ रही है या नहीं अच्छा चले कल वाला प्रोग्राम को देखते हैं कल हम लोगों ने ये डिस्कस कर रहे थे कि फाइल जो है फाइल में कैसे राइट करवाने वाला कल प्रोग्राम हमने देखा था चलिए मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ अच्छा भाई फाइल हैंडलिंग का फायदा ये है कि आप अपने डेटा को हार्ड डिस्क के ऊपर परमानेंट सेव कर सकते हैं अब एक तरीका तो ये है कि आप उसके लिए आपको जो है वो पॉइंटर चाहिए होता है जो लिंक हो जाए आपकी फाइल के साथ अब फाइल के साथ लिंक करने के दो तरीके हैं एक तरीका ये है एक तरीका ये है कि आप फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और फाइल के ऑब्जेक्ट आप डेटा जो है दो तरीके से सेट कर सकते हैं या तो आप फाइल के कंस्ट्रक्टर के जरिए कर सकते हैं जैसे ये है कि अगर वैल्यूड कंस्ट्रक्टर हो तो उसके जरिए आप फाइल लिंक बनाना है इस ऑब्जेक्ट का ओएफ का लिंक बनाना है इस फाइल के साथ और आपने कल फाइल बनाई थी bsbnb के नाम से फाइल बनाई थी बस के लिए हमने एक फाइल बंद रही है हेलो जी कुछ समझ दूसरा तरीका ये है जिसका माइक बंद कर दें जिसका माइक चल रहा है बंद कर दें जो डिस्टर्ब हो रहे हैं सलमान अकबर का चल रहा है या उसका जिसका भी चल रहा है चले अच्छा अब दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप फाइल कोई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप इनपुट का फंक्शन बना लेते हैं उसके लिए भी उस ऑब्जेक्ट में आप वैल्यू सेट कर सकते हैं तो दूसरा तरीका ये है कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल का और देन फाइल का जो फंक्शन है ऊपर उसकी मदद से डेटा उसमें सेट कर देते हैं तो दोनों तरीकों से इस ऑब्जेक्ट का ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो है ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल जो वो लिंक हो जाता है इसके साथ अब आपने ये चेक करना है कि पॉइंटर अगर लिंक होता है तो उस पॉइंटर के अंदर एड्रेस आ जाता है फाइल का अब फर्ज किया मैं यहाँ पे इधर मैं ये करता हूँ सी मैंने किया और इस पर मैंने ये फाइल बनाने की कोशिश की और उसके बाद मैंने चेक किया कि फाइल बनी है या नहीं तो हम क्या कर लेते हैं इसको मैं कमेंट करता हूँ जी तो इसको मैं चेक करता हूँ कि फाइल बनी या नहीं बनी उसको मैंने चेक किया तो मैंने रन किया तो फाइल कैन नॉट ओपन वजह ये है कि सी ड्राइव के ऊपर मैंने राइट नहीं रखे कि आप वहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर कोई फाइल बनाओ सी ड्राइव के ऊपर फाइल नहीं बनती तो इसलिए जो है उसने ये मैसेज दे दिया कि फाइल कैन नॉट बी ओपन तो इसमें क्या होता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट का लिंक फाइल के साथ बन जाता है तब उसके अंदर एड्रेस आ जाता है तो एड्रेस को आप नॉट करके वो फॉल्स कर देते हैं एड्रेस कोई आपको ये पता है ना कि जो कंडीशन होती है कंडीशन में ज़ीरो जो है वो फॉल्स होता है अदर देन ज़ीरो ट्रू होता है तो अब अगर उसमें एड्रेस आता है उसको आप नॉट करते हैं तो उसका मतलब आप उसको फॉल्स कर देते हैं आप उसको फॉल्स करते हैं तो फिर यहाँ पर ये मैसेज नहीं आएगा तो और अगर इसमें नल आ जाए
यानी जब इसका इस पॉइंटर के अंदर टेस्ट नहीं आता तो फिर नल आता, जब नल आता है तो नल को आप ट्रू कर देते हैं नॉट करके, और फिर ये मैसेज आता है कि फाइल क्रिएट नहीं हो सकती। समझ आ गई इसकी बात की, इस वाली इस कंडीशन की। तो जब इसके अंदर आप एड्रेस नहीं आता तो नल आता है, तो नल को आप नॉट करके आप मैसेज देते हैं कि फाइल क्रिएट नहीं हो सकती या फाइल ओपन नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद आपने ये किया था, कल मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने सी आउट यूज करते थे। सी आउट का क्या मतलब होता था? ये हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले होता था किस पे? स्क्रीन पे। असल में ये डिस्प्ले नहीं होता था, असल में ये होता था कि आप हेलो वर्ल्ड को राइट करवाते थे सी आउट पे, और सी आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है जो लिंक है किसके साथ? स्क्रीन के साथ। इसलिए आप हेलो वर्ल्ड को जो है राइट करवाते हैं सी आउट पे और वो राइट हो जाता था स्क्रीन पे। इसी तरीके से अब आप क्या कर रहे हैं, हेलो बी एस सी एस, यानी आप बी एस बी एन भी है, बी एस सी एस की बजाय आपका बी एस बी एन भी हो गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बी एस बी एन बी, और आपकी फोर्थ है इवनिंग क्लास, बी एस इवनिंग क्लास मैंने एक, ठीक है, हेलो बी एस बी एन बी इवनिंग क्लास। तो अब इसका क्या मतलब है कि आप इसको सेंड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं ओएफ पे, और ओएफ लिंक किसके पास है? फाइल पे। इसका मतलब ये आपने हेलो बी एस बी एन इवनिंग जो क्लास है उसके ऊपर राइट करवा दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और उसके बाद जो है आपने वो नहीं ओएफ को क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि क्लोज का मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं, अब ये जो फाइल है क्लोज करने का मतलब है कि अब ये फाइल फ्री हो जाए फॉर अदर प्रोसेस। क्योंकि जब आप एक फाइल को ओपन करते हैं तो मतलब वर्ड की फाइल आपने ओपन की तो वो फाइल ओपन हो जाती है, अब दोबारा उसको ओपन करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि अब मैं इसको रीड मोड में ओपन करूंगा, वैसे ओपन नहीं हो सकते। तो एक वक्त में एक फाइल को राइटिंग एक ही बंदा एक्सेस कर सकता है। तो अब फाइल क्लोज करने का मतलब यह है कि आप इसको फ्री कर लेते हैं कि आप कोई और इस पर एक्सेस कर ले। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, हमने चेक किया कि अब इससे यहाँ पे फाइल जो है मैंने ई ड्राइव के अंदर बनाई है, तो ई ड्राइव में जाके चेक करते हैं तो हमारे पास ये एक फाइल बन गई किस नाम से, बी एस बी एन बी, ये बी एन बी। इसको जब हम ओपन करते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो बी एस बी एन बी क्लास, हेलो बी एस बी एन बी क्लास। अच्छा, ये तो अभी शायद वो बनी नहीं होगी, बनी इतनी होगी, फाइल कैन नॉट बी ओपन क्योंकि हमने उसको बनाया था सी ड्राइव के ऊपर। तो अब इसको मैं पाथ चेंज कर देता हूँ कि इसको मैं करवा देता हूँ कि ई ड्राइव पे बन गए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी की बजाय ई कर देते हैं। तो मैं दोबारा रन करता हूँ तो अब वो फाइल मैसेज नहीं आया, और अब हम इसको चेक करते हैं तो ये हमारा फाइल बन गई है बी एन बी, हेलो बी एन बी इवनिंग क्लास, क्वेश्चन है। हाँ, क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी ये सर माइक ऑफ, ये तो कह रहे हैं। अच्छा, हाँ मुशर्रफ हसन। अच्छा भाई, इसके बाद जो था, अब हमने इस फाइल से क्या करना है, रीड करना है। ये फाइल में तो राइट हो गया, अब इसी फाइल से हमने क्या करना है, रीड करना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले सारे काम को, ये जो राइटिंग वाला काम था इसको मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया एडिट में, कमेंट करा। कमेंट का तो पता है ना, अब ये रीडेबल नहीं है। और जो हमारे पास रीडिंग वाला पोर्शन है उसको मैं इनेबल करता हूँ। ये जो रीडिंग वाला, रीडिंग वाले के लिए क्या होता है कि आपको
ऑब्जेक्ट जो बनाना पड़ता है वो इफ स्ट्रिंग का बनाना पड़ता है। किसका बनाना पड़ता है? इफ स्ट्रिंग का। वो क्या था? ऑफ स्ट्रिंग का। अब आपने वो इफ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना लिया, आपने एक स्ट्रिंग एस बना ली। अच्छा, इसको ना मैं पहले वन बाई वन रीड करता हूँ, मैं इसमें वाइल का लूप नहीं लगाता और इसको मैं रीड करता हूँ। इसको मैं रीड करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, ये बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। इफ स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये रीड कैसे करेगा, इसको देखें। आप लोगों ने सीन यूज़ किया था, सीन यूज़ किया था ना। सीन क्या करता है कि आप सीन मार्क्स करते हैं तो यूज़र ने जो नंबर दिया वो इस मार्क्स में आ जाता है। असल में होता ये है कि ये जो सीन का ऑब्जेक्ट है ये कनेक्ट होता है कीबोर्ड से। आप कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं वो सीन में आता है और सीन उसको उठा के मार्क्स में रखते हैं। ठीक है, अब इसी काम को हमने इधर देखते हैं। इधर क्या हुआ कि जो इफ है वो अटैच है इस फाइल के साथ। ये इफ रीड करेगा डाटा फाइल से और उसको उठा के एस में रख देगा। एस क्या है? एक वेरिएबल। और देन आप सी आउट एस करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन। अब मैं इसको मैं रन करता हूँ। अब ये देखिएगा, इसने हेलो, वो पहले फाइल में लिखा होता ना हेलो बी एन बी क्लास, इसने क्या किया, ये हेलो डिस्प्ले करवाया। अच्छा, अब इसने सिर्फ एक वर्ड दिया, हालांकि उसमें तो वो पूरा लिखा होता हेलो बी एन बी। तो अब हम चाहते हैं कि एक और वर्ड रीड करें, तो हम इसी प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल वी, यानी पहली दफ़ा रीड किया, इसमें एस में रखा डिस्प्ले करवा दिया। दूसरा वर्ड रीड किया, एस में रखा डिस्प्ले करवा दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब देखिए, अब इसने दो वर्ड रीड कर लिए। दो वर्ड कौन कौन से? बी एस सी एस और हेलो। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जितने वर्ड हैं आप वर्ड बाई वर्ड रीड कर सकते हैं। तो वर्ड बाई वर्ड रीड करते हैं तो मैं इसमें लूप लगा लेता हूँ बार बार, मुझे तो नहीं पता इसमें कितने वर्ड हैं। तो अब ये फाइल में पैर मैंने खुद बनाई है इसलिए मुझे पता है कि इसमें तीन वर्ड हैं या चार वर्ड हैं। तो अगर मुझे नहीं पता तो फिर मुझे क्या चाहिए कि मैं लूप बना लूँ, और फिर लूप को कैसे पता चलेगा कि मैंने कब ख़त्म होना है? तो ऐसे होता है कि जब भी कोई फाइल बनती है तो उसके कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं, जैसे बिगनिंग ऑफ फाइल होता है कि वो स्टार्ट फाइल के स्टार्ट में होता है, फिर एंड ऑफ फाइल होता है जो फाइल के एंड में होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर फाइल ख़त्म हो गई। हमने उसी को यूज़ किया, एक फंक्शन है एंड ऑफ फाइल का, जो क्या करता है, जो हमें रिटर्न करता है बूलियन रिटर्न करता है, जो क्या करता है बूलियन रिटर्न करता है। मैंने कहा इफ डॉट एंड ऑफ फाइल, अब शुरू में तो वो नहीं आएगा एंड ऑफ फाइल, तो वो नो देगा। नो को मैंने नॉट करके ट्रू कर दिया। इसका मतलब जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा ये वाइल क्या करेगा, एक एक वर्ड को फाइल से रीड करके एस में रखेगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। फिर दूसरा वर्ड करेगा स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, फिर तीसरा वर्ड करेगा स्क्रीन पर डिस्प्ले। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास देखिएगा कि उसने सारे वर्ड जो इसके अंदर थे एल ओ बी एस, अच्छा ये यहाँ पे जो कि हमने बी एस सी एस वाली फाइल को रीड कर रहे हैं तो वो उसी का दिखा रहा है। तो मैं इसको करता हूँ, क्या कहते हैं सर जी, इस कंडीशन को क्या कहते हैं और ये बुक में कहाँ पर है? अच्छा भाई, ये मैं दिखाता हूँ आपको, बुक में भी दिखाता हूँ। अभी अभी सिर्फ ये देख ले, मैं दिखाता हूँ आपको तो बुक में कहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बी एन बी कर देता हूँ, बी एस बी एन बी जो भी हमने लिखा था। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इस फाइल के अंदर जो हमारा लिखा था हेलो, ये देखिएगा हेलो बी एन बी इवनिंग क्लास, हेलो बी एन बी इवनिंग क्लास, ठीक है भाई, हेलो बी एन बी इवनिंग क्लास। अच्छा, अब जो बात आ गई कि ये चीज कहाँ पे लिखी है। अच्छा, इसमें इसमें एक और चीज है, ये तो हमने जो रीड किया था ये वर्ड बाय वर्ड, अगर आप कंटेनर बनाए करेक्टर, आप इसको करेक्टर बाई करेक्टर भी रीड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने करेक्टर से किया, ये देखें वो सारी आपका वो जो लिखा हुआ था फाइल में वो क्या हो गया, वो हेलो हेलो बी एस बी एन बी इवनिंग क्लास,
तो इसने क्या किया, वन बाई वन जो है वो सारे करेक्टर को रीड किए। तो आप करेक्टर बाई करेक्टर भी रीड कर सकते हैं, आप वर्ड बाय वर्ड भी रीड कर सकते हैं, आप लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप आगे की ये चीज आई कहाँ से, इसको भी देखते हैं। ये ठीक हो गया। अच्छा, अब ये थी आपके पास बुक। अच्छा भाई, ये हमारे पास बुक आ गई, इसको ये हमारे पास बुक आ गई है। अच्छा भाई, अब इस बुक को देखते हैं। हमें बुक में देखना था जी कि ये वाली चीज कहाँ पे है, इसको देखते हैं जी। ये हमने ये सारी चीजें कल ये पढ़ ली थी, यहाँ तक ये चीजें हम दोनों ने पढ़ ली थी कि ये आई स्ट्रीम है, इफ स्ट्रीम है, ये चीजें पढ़ ली थी ना। ये मोड भी पढ़ लिए थे, ये कैसे इफ स्ट्रीम आया ये पढ़ लिया था। क्यों भाई माइक ऑन करके, माइक ऑन करके बता सकते हैं सर? आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा देख लेते हैं। हाँ जी, अब आवाज ठीक है। अब ये नेट का मसला तो ऐसे चलते ही रहता है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाली चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, अब आ गया कि वो कैसे पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने फाइल ओपनिंग की बात कर ली, क्लोजिंग की बात कर ली, और फिर ये यहाँ पे ये जो है लूप लगाने वाली बात। ये लूप, एक तो ये लूप है कि आप वन बाई वन लगा सकते हैं, तो हमने वन बाई वन तो नहीं लगाया, हमने एंड ऑफ फाइल का जो है वो यूज़ किया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एंड ऑफ फाइल के लिए ये एंड ऑफ फाइल आ गया, डिलीटिंग डिटेक्टिंग एंड ऑफ फाइल। भाई इसको बंद कर दो, भाई बंद कर दो, ये कौन डिस्टर्ब है? अब तो सही है भाई, बंद कर दो। ये भी सही है, चलो सही है, करने हाँ भाई, क्या कहते हैं जी, कट रही है आवाज सर की। अच्छा, अब ये जो है डिटेक्टिंग एंड ऑफ फाइल, द वर्ड एंड ऑफ फाइल स्टैंड फॉर एंड ऑफ फाइल, द ई ऑफ फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द कंट्रोल हैज रीच एट द एंड ऑफ फाइल आर नॉट, इट रिटर्न ट्रू इफ कंट्रोल हैज रीच द एंड ऑफ फाइल एंड रिटर्न फॉल्स अदरवाइज। इसलिए फिर हमने, चूंकि वो अदरवाइज वो क्या करता है, रिटर्न करता है फॉल्स रिटर्न करता है, तो हम इसलिए क्या करते हैं, नॉट एंड ऑफ फाइल यूज करते हैं। ये देखेंगे ये फाइल नॉट फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, ठीक है जी, पता चल गया जी आपको ये कहाँ से आया है। क्यों भाई क्लास, तो अभी हम यहाँ पे नहीं पहुंचे थे, तो हमने जो है अब करेक्टर बाय करेक्टर रीड करना भी देख लिया और वर्ड बाय वर्ड रीड करना भी देख लिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ, क्यों भाई यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम,
और ये मोड पढ़ लिए थे, ये मोड पढ़े थे। चले इस मोड को देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। ये मोड पढ़े थे ना कल जो भी क्लास, ये पढ़े थे इन आउट बाइनरी एट। चले इसको देखते हैं, इन सारों को देखते हैं। अभी देखिएगा कि ये आपके पास फाइल है, इसमें हमने ये इसको रीडिंग को मैं फिर क्लोज करता हूँ और राइटिंग की तरफ आता हूँ। इसको मैंने कमेंट किया एडिट, एडिट और कमेंट, और यहाँ पे ये जो है इसको इनेबल कर लेते हैं। ये मैंने अनकमेंट किया। अब आपके पास ये फाइल आ गई। मैं इसको मोड बदलता हूँ। जैसे अगर बाय डिफॉल्ट जो है, अगर ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट ये राइटिंग मोड में ही करेगा, इसमें आयोज आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस पर जैसे देखें ना, इसको मैं जितनी मर्जा भी चलाऊँगा, इसको मैं यहाँ पर मतलब यहाँ लिखते हूँ हेलो बी एस बी एन बी क्लास। मैंने क्या लिखा जी, हेलो बी एस बी एन बी क्लास। इसको मैंने रन किया, ये रन हो गया। इसने कहा कि सक्सेसफुली राइट इन दी क्लास, सक्सेसफुली राइट इन दी फाइल किया। मैंने इसको चेक किया तो यहाँ वही लिखा हुआ हेलो बी एन बी। दोबारा फिर चलाता हूँ तब भी चेंज नहीं होता, हर दफ़ा यही रहता। यानी वो पिछले वाले डाटा को मैं यहाँ पे फर्ज किया, मैं डाटा चेंज करता हूँ। मैंने डाटा चेंज किया, चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी सिर्फ हेलो, ये इवनिंग क्लास ख़त्म कर देता हूँ। इवनिंग क्लास का अभी मैंने इसको रन किया तो अब मैं इसको चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि उसने पुराने वाले डाटे को, ये देखें हेलो बी एन बी रह गया, बी एस बी एन बी, वो क्लास इवनिंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब ये है कि ये पिछले को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। जब वो आउट मोड में होता है पिछले को ख़त्म कर। अब आप कहते हैं कि वो पिछला ख़त्म ना हो, फिर आप इसको क्या करेंगे, आयोज अपेंड ए डबल। अब आप चलाएंगे और इसमें मैं चेंज कर देता हूँ हेलो बी एन बी और हाउ आर यू। मैंने हेलो हाउ आर यू कर दिया इसमें और ये मैंने किया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि अब भी जब मैं इसको रन करता हूँ ये सक्सेसफुली हो गया। और फाइल को देखेंगे तो फाइल में हेलो बी एस बी एन बी, हेलो बी एस बी एन बी, हाउ आर यू पहले वाला भी लिखा हुआ है, ठीक है, और नया भी लिख दिया, उससे आगे आगे लिखेगा। अपेंड में क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेगा। अच्छा, अब ये देखें ये रीडेबल है, ये क्या है, रीडेबल है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कहा कि इसको बनाए, अगर एक से ज़्यादा मोड देना हो तो क्या लगाते हैं जी, पाइप साइन लगाते हैं एक से ज़्यादा मोड के लिए। ये पाइप साइन लगाया और आयोज, और मैंने कहा कि बाइनरी, आयोज बाइनरी कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो बाइनरी इज नॉट ए मेम्बर ऑफ, अच्छा तो बाइनरी नहीं है तो क्या है भाई, अच्छा मुकम्मल बाइनरी, बाइनरी बाइनरी जी बच्चा क्या कहते हैं जी आप, मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, कैसे हो सकता है, मैं थोड़ी स्पीड से बोल रहा हूँ। चले आप वीडियो देखिएगा फिर आप मसला कुछ और होगा। आप तो ये देखिए अनेबल ही है, ये म्यूट भी नहीं किया हुआ ऑडियो। अच्छा चले, अब इसमें क्या है कि मैंने आयोज अपेंड और आयोज बाइनरी किया और इसको मैंने रन किया। अब सक्सेसफुली राइट इन फाइल और प्रेस है। अच्छा, अब यहाँ भी चेक करते हैं, तो अब जो फाइल है इसको, सॉरी इसको हम करते हैं चेंज करते हैं थोड़ा, फाइल का नाम चेंज किया, बी एस बी एन बी की जगह बी एन बी, और इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन में डी ए टी कर देता हूँ। एक्सटेंशन क्या किया जी, बी ए टी,
इसको रन किया, कंप्लीट हो गया। इसको मैं चेक करता हूँ, BS, ये देखिए। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद नोट पैड कर देता हूँ, या किसी में भी कर लेता हूँ, ओपन विद नोट पैड। इसमें आपको ये हेलो बीएनबी हो वाली, तो ये हमारे पास। तो अब ये हम हमें जो है बाइनरी मोड के अंदर इसने फाइल को बना दिया, जो बीएनबी है बाइनरी मोड। बाइनरी मोड होने की वजह से देखिए 25 बाइट, और ये बीएनबी था ये 62 बाइट्स। चलिए इसका तो साइज बड़ा था। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है जी? क्या कह रहे हैं जी, बहुत कम आवाज आ रही है यार। वही सिस्टम है, कुछ चेंज नहीं किया हमने। आवाज कम क्यों आ रही है इसका कुछ पता नहीं चल रहा। अब आवाज ठीक है? अब बोलो, रिप्लाई करो, आवाज ठीक है? हाँ भाई शेरोज, अब आवाज ठीक है? शेरोज नहीं बोलेगा, ऐसे नहीं करेगा। अच्छा अच्छा जी, इसके बाद तो अच्छा भी इसका सेशन का टाइम हो गया खत्म। तो ये हमारे पास जो है, ये डिफरेंट मोड जो है ये हमारे पास थे, इनको इनको आप ट्राई कर सकते हैं। पेंट था, ट्रंकेट था, इनके ऊपर जो लिखा हुआ है अब उनको ट्राई करेंगे तो वो वैसे ही काम करेंगे। तो अभी अटेंडेंस लगा लेते हैं, सीआर अटेंडेंस लगाता है, और हम इतना इसका स्नैप ले लेते हैं क्लास के सेशन को हम। चलें जी, सेशन को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।